गोरखपुर विकास प्राधिकरण के लोहिया इनक्लेव के आवंटियों की बैठक जीडीए अध्यक्ष व मंडलायुक्त जयंत नालिकर की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जीडीए के उपाध्यक्ष के दिनेश कुमार, सचिव राम सिंह गौतम सहित आवंटी राजीव पांडे, अरुण सिंह, अमोद राय, सत्येंद्र सिंह, राजेश कुमार, लक्ष्मीकांत राय सहित अन्य आवंटी और जीडीए के अन्य अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आवंटियों के 10 सूत्रीय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा एनजीटी के निर्णय आने के बाद आवंटियों को जल्द से जल्द कब्जा देने की सहमति बनाई गई। इस संबंध में जीडीए के अध्यक्ष व मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि आवंटियों को कब्जा देने में कुछ चूक जीडीए द्वारा हुई है। फिलहाल आवंटियों को जल्द से जल्द उन्हें अपने घर में रहने का मौका मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने कहा, जो है उसको किताब में था सर, जो रजिस्ट्रेशन की जो बुक थी उसमें हमने 104.3 नहीं। और आपने रेरा की वेबसाइट पर जो अपलोड किया है, रेरा की वेबसाइट पर सर हमने जो हमारा एक्चुअल है वही है, रेरा की वेबसाइट पर लोडेड है सर, इसमें सारी बातें में लिखी हुई है। आप पूरा कर दिया, फोर्स लीक किया, बायोमेट्रिक दिए, पूरा रिकॉर्ड थोड़ी होता है। 107.3 श्रीमान जी, 14-1 का इसमें गोरखपुर महोत्सव में प्राधिकरण के काउंटर से ये एक बांटा जा रहा था प्रचार, जिसमें भी देखिए 100 तो सर उस मीटिंग में ये हुआ कि जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कर रहे थे, प्राधिकरण और आंतरिक का एरिया सारा संघ, सारा संघ सर मैं बोलूँ सर, एक मिनट के राजेश कुमार राय। हम लोगों का वो जीडीए द्वारा वादा किया गया था कि 2017 अप्रैल तक हम लोगों का फ्लैट दे दिया जाएगा। हम लोगों का पैसा 2015 में ही ले लिया गया पूरा पेमेंट, और 2 साल बाद भी आज तक हम लोगों का कब्जा नहीं मिला। ढाई और जीडीए द्वारा उसका दाम भी 383,000 बढ़ा दिया गया। इसको लेके आज हम लोग कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पे मीटिंग हो रही है। क्या लग रहा है? हाँ, कमिश्नर साहब तो काफ़ी प्रयास में हैं कि समाधान हो जाए। जो बढ़ा हुआ पैसा है उसका और जो ब्याज का रुपया हम लोग उस पहले ले लिया गया है उसको वापसी के लिए बात हुई है, और अभी कब्जे के संबंध में कोई बात नहीं हुई, मीटिंग चल रही है। देखिए, हमारा लक्ष्य और यही है कि आवंटियों को मानक के अनुसार और एक अच्छा रहने की जगह मिले, और ये मुझे ओपनली भी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ त्रुटियां जीडीए की तरफ से हुई हैं। अब उन त्रुटियों में हम जो भी ठीक कर सकते हैं बिल्कुल ठीक करेंगे, और ये मैं आपको एश्योर करा दूं कि जो भी इनका प्राप्य है, जो इनको मिलना चाहिए वो बिल्कुल मिलेगा। और कुछ निर्णय ऐसे हैं, कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो हमारे स्तर से ऊपर से हुए होने हैं, और उन स्तरों पर हम पूरी प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि एनजीटी में, माननीय एनजीटी में हमने अपना रिव्यू डाला हुआ है, और आशा करते हैं कि उसका हमें जल्दी से जल्दी निर्णय मिलेगा, जिससे हम इनको आवंटियों को वहाँ पर स्थापित वहाँ पर हम शिफ्ट कर सकें और ये लोग अपने घर में रह सकें। सो यही प्रयास है। इनकी कई समस्याएं थी जिस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है, समयबद्ध तरीके से उसमें निर्णय होगा, और जो भी न्याय किया जाना चाहिए वो न्याय होगा।